166 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका 6 विकेट के नुकसान पर केवल 154 रन ही बना सकी क्योंकि उनका औसत क्रम अच्छा नहीं रहा। दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआती सलामी बल्लेबाज एंड्रू पुटिक को खो दिया जिन्होंने 36 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए जल्दी। पावर प्ले में श्रीलंकाई कप्तान तिलकरत्ने दिलशान द्वारा फेंके जाने से पहले उन्होंने 8 अंक बनाए। मोर्ने वैन विक ने हालांकि दूसरे विकेट के लिए अल्वेरो पीटरसन के साथ 74 रन की ठोस बराबरी की और दक्षिण अफ्रीका को शिकार पर रखा। 42 गेंदों में से 61 की जरूरत के साथ कप्तान दिलशान ने 13वें और वैन विक और जैक्स रूडोल्फ ने 12 अंक बनाए जिसमें लॉन्ग ऑन पर एक बड़ा छक्का शामिल था। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर अपनी मर्जी से हमला करना जारी रखा लेकिन दूसरी ओर उनके पास साझेदारों की कमी थी। जैक्स रूडोल्फ 10 और जोंटी रोड्स 3 को एक के बाद एक लगातार फायर किए गए और स्कोरबोर्ड पर दबाव बढ़ता रहा। जैसे ही दक्षिण अफ्रीका की लक्ष्य का पीछा करने की उम्मीदें खत्म हो गईं, वनोन फिलेंडर ने अपने एक कैमियो के साथ इंदौर की भीड़ का मनोरंजन किया। उनमें से छक्का कुलशेखरा ने 19वीं की पहली पिच पर छोड़ दिया और स्टेडियम से बाहर हो गए लेकिन कुछ गेंदों के बाद दाहिना हिटर उड़ गया। वे 6 में से केवल 154 ही स्कोर कर सके। इससे पहले दिन में श्रीलंका ने पहले स्ट्राइक करने के लिए कहे जाने के बाद 6 में से 165 का अच्छा रिकॉर्ड बनाया। जब श्रीलंका के फिट कप्तान तिलकरत्ने दिलशान सस्ते में बेंच पर वापस आए तो प्रोटिया गेंदबाजों ने सा औसत क्रम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दिलशान ने दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज वनोन फिलेंडर KLBW करने से पहले ही उन्हें चुना था। बोथा के सीधे शॉट की बदौलत 36 से बाहर होने से पहले थरंगा भी ठीक थे।